इस तरीके से हम अपनी बस के एसी को ओके कर सकते हैं। काफी लोग हैं जो बस के एसी को ओके करना नहीं जानते। आप हमारी वीडियो देखें, हमारी वीडियो देखने के साथ आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि बस के एसी को कैसे ठीक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, ये गाड़ी हाइगर बस है, इसके ना एसी का इशू है, एसी की गैस कम थी तो मैंने कहा ऊपर से कवर जरा खोले जाए, ऊपर से हम इसका करंसर वगैरह चेक करते हैं। तो अभी हम इसकी आ गए छत पे, तो इसके ना कंडेंसर ये देख सकते हैं आप, ये मैकेनिक को अच्छी तरीके, ये ऊपर से ये खुला हुआ है, इसको उठा के ना सीधा करके इसको मूव कर दे, इसको सीधा कर फिर इसको उस तरफ मूव कर, हाँ इस तरह, शाबाश, ये इस तरह, अभी इधर पकड़ के रख, नीचे ना गिराई, ये देखें ये सारा लीक है इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, इसको हम खोलेंगे नीचे जाके हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इसको खोलने का क्या प्रोसेस है, एक पहले भी वीडियो है लेकिन हमने तो अपना काम दिखाना है आपको। तो इसको 5 मोटरें होती हैं, देख सकते हैं, ओके चलें खोलते हैं, ये खोला जाएगा और उस तरफ से जॉइंट खोले जाएंगे और ये बोल्ट खोले जाएंगे, ये लूज़ किए जाएंगे ताकि ये हिल सके, और फिर ये बोल्ट खुलेंगे और ये दरमियान से निकलेगा, ये भी बोल्ट खुल जाएंगे और उस तरफ से भी खुल जाएंगे, ये नीचे से ये खुल जाएगा क्योंकि ये करंसर ने पकड़ा हुआ, तो फिर हम इसको करेंगे। ओके चल भाई नीचे रख दे, ऊपर से जो करंसर मोटरों का कवर था वो तार के साइड पर कर दिया, और ये इसका ग्रिप होता है, ये कार की कंप्लीट ही अलग हो गया, इसको ऊपर से ये बोल्ट वगैरह होती है खोलने के लिए, बाकी लड़कियाँ काम कर रही हैं। ये जरा देखें, फैसल कह रहा है हमारी मशहूरी भी दे दें। ये जरा खुल जाएगा, नीचे जाके फिर हम प्रॉपर आपको दिखाएंगे क्योंकि इसकी पहले वीडियो बनी हुई है, जिन भाइयों को अगर नाम भी पता चलेगा वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको फिर भिजवा दूंगा। ओके ये देखें, ये ना पहले लड़के ऊपर उठा रहे थे, इनसे नहीं उठाया जा रहा था, तो इन्होंने ये वाले बोल्ट लूज नहीं थे किए, तो मैंने कहा कि ये लूज करने के बगैर ये नहीं आएगा, पहले इनको लूज किया जाएगा उसके बाद आएगा। तो अब्दुल्ला उठा जरा जोर से उठाएगा फिर आएगा। हाँ शाबाश शाबाश, फैसल उधर जा थोड़ा सा उठा के उधर ऊपर रख ले, हाँ ऊपर रख ले, वो बिल्कुल नहीं ऊपर रखना, नीचे उजार आ जाएंगे। ये आ गया भाई, ये कंडेंसर आ गया, इसको अब हम उस तरफ से आराम से बैठ के देखते हैं, आ जाए भाई। ये देखिए जहाँ पे ऑयल है ना, ये सारी इधर से लीक कीजिए, तो ये सारी को हम ओके करेंगे। ओके ओके कंडेंसर को हमने खोल लिया, अभी ये जो पाइप है ये देखे ना, ये रिंग कटा हुआ है, ये रिंग हम नया रख देंगे इसके अंदर, ये खराब है रिंग बाहर निकाल देंगे, तो उधर जो रिंग है उसका उधर उसके साथ ही है, तो हम इसके ऊपर भी टेप करवा देंगे, इसके ऊपर भी टेप करवा देंगे ताकि मिट्टी वगैरह ना जाए। वाश वगैरह कर दी है, अभी ये पाइप कटर के साथ हम इधर से काट देंगे और ये इधर से काट देंगे। ये फिल्टर लिए, ये वाला ये फ्रिज का फिल्टर होता है, तो हमने इसको ना इसके ऊपर लगाया, ये हमने फिर ये फ्रिज का फिल्टर आपको बता रहा था ये हमने किए, इसको हम इधर टंका लगा देंगे इधर, और फिर ये जो है इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह, ये आगे इसका सुराख खुला हुआ है, देखें हो जा भाई कैमरे। ओके अभी ये इसके ऊपर लगाएंगे, तो ये इधर हम टांगा लगा देंगे, फिर हम इसको वैक्यूम पंप के साथ हम प्रेशर देंगे, फिर हम इसकी लीक चेक करेगा, सारी लीक चेक करेंगे, जहाँ से कंडेंसर लीक होगा वहाँ से हम इसको रिपेयर करेंगे। ये हमने गैस बत्ती रख ली अपनी, और ये हमने कॉपर का और पित्तल का दोनों राड हमने ले लिए, ये हमने सुहागा ले लिया, और ये गैस बत्ती चलाने के लिए हमने एक लाइटर ले लिया, तो यही तरीका कार है हमारा। इस तरीके से हमने ये वेल्डिंग कर दी है, घर में आदमी हमने लगा के चक्कर आ सकते हैं, ये भी हमने वेल्डिंग कर दी है, ये भी कर दी है। ओके हो गया, अभी हम इसको वैक्यूम पंप के साथ इसको प्रेशर देंगे, हमें ये साथ प्रेशर दे देंगे, इतना भी आराम से जा रहा है, प्रेशर
ये देखें, ये भी लीक है, ये भी 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 है। पूरी लाइन ये एक सही है इसमें। दूसरा हम देखते हैं, पूरी लाइन में ये देखते, ये सारे लीक है। तो अगर आप जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं ना, इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? ये नहीं है कि ये आपने वेल्डिंग कर दिया, ये लीक है तो आप इसको वेल्डिंग कर दिए, ओके हो गया। नहीं, अगर आपने इसको वेल्डिंग कर दी है ना, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हमने एक कंडेंसर को जहाँ जहाँ से वो लीक था, हमने ओके कर दिया। तो जब हमने फिट किया, दो माह बाद क्या हुआ, फिर उसकी कंप्लेन, फिर क्या हुआ कि ये अगले जॉइंट उसके लीक हुए। तो वो जब हम इसको वेल्डिंग वो टंका वगैरह लगा रहे होते हैं, सेक इसको भी जारी सी बात है जाता है, तो ये भी थोड़ा बहुत कोशिश करें कि सब के ऊपर हल्का हल्का कॉपर का राड लगा दें ताकि ठीक हो जाए। तो इस तरीके से भी हम इसका प्रेशर, हमने कितना दिया इसको प्रेशर, हमने 200 से ऊपर दिया, 250 के करीब दिया। ये देखें ना, हल्के हल्के ये जाम से, ये जग वगैरह बनी हुई है ना, ये सारी उधर से लीक है। जब हमने प्रेशर इसको दिया है ना, जीरो से हमने इसके ऊपर जग सारी लगा दी, ताकि जहाँ जहाँ से ये लीक हो, बाद में उधर बुलबुले ये बनने शुरू हो जाए। ये जहाँ जहाँ से वो लीक है वहाँ वहाँ पर बन रहे हैं, बाकी किसी जगह पर नहीं बन रहे। अभी देख सकते हैं कि ये हमने सारे टंके लगाए हैं, ये देखें ज़रा, देख रहे हैं, ये हमने जितने सारे ये टंके लगाए हैं, इस तरफ भी लगा दिए हमने, इस तरफ भी हमने लगाए हैं और इस तरफ भी लगाए हैं, दोनों तरफ हमने टंके लगा दिए। तो अभी नीचे वाले पाइप को हमने लगाए हैं, अभी हम ऊपर वाले पाइप को लगाएंगे, ऊपर वाले पाइप को भी लगाएंगे सारे, इस तरफ भी टंके और इस तरफ भी। तो फिर हम इसको प्रेशर देंगे, फिर इसकी लीक चेक करेंगे। हमने सारी लीक चेक की है, ओके। ये हमने कितना प्रेशर दिया ज़रा आप कमेंट करके भी ज़रा बताएं, हमें भी पता चले कि आप एक्टिव हैं या सोए हुए हैं। 300 बार हमने प्रेशर दिया, आप भी ज़रा बता दीजिएगा, एक हो गया। और दूसरा, हमने सारी लीकेज चेक की है, एक एक जॉइंट को हमने चेक किया, तो किसी जगह से कोई लीकेज नहीं है। ये अभी भी मैंने सरफ लगाई हुई है, अगर हो तो अभी थोड़े से बुलबुले बनने शुरू हो जाए जैसे पहले बन रहे थे इधर, तो अभी नहीं है, अभी ओके है। तो हम इसको प्राइस के अंदर प्रेशर रहने देंगे तकरीबन 12 घंटे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। हमने ना गेज चेंज की है, हमने नई न्यू गेज हमने इसको लगाई है, पहले पुरानी लगी थी लेकिन वो हमें मसला कर रही थी, इसलिए हमने गेज न्यू, हमने प्रेशर दिया, अभी बिल्कुल ओके है। ताकि आपको चेक करवाया जाए, देखें ज़रा दोनों तरफ, देखें आप, देखें ये ना, हमने नीचे से भी लगाए हैं, ऊपर से भी लगाए हैं। अभी हमने एंड पे जो हमने लगाए हैं ना, वो नीचे से लगाए हैं, जिसकी वजह से ऊपर ही हल्का हल्का माल आया हुआ है, ऊपर उभरा हुआ है, ओके। अभी हम प्रेशर निकाल लेंगे, तो इसके बाद हम जो है कि इसके जो हमने पाइप काटे थे सबसे पहले, वो हम क्या करेंगे, वो लगा देंगे, ओके। जैसे जैसे हमने पाइप काटे थे ना, वो हम लगा देंगे। कंडेंसर ओके हो गया, हमने ये जॉइंट भी लगा दिए, ये देखें ज़रा हमने किस तरीके से लगाए हैं, बहुत अच्छे रहे हैं हमारे, ओके। तो अभी हम इसको छत पे लेके जाएंगे, उसकी तो हम नई वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम छत पे लेके जाते हैं। हम छत पे रख के ये वाले बोल्ट लगाएंगे, ये वाले लगाएंगे, इधर हम ओरिंग रखेंगे, तो इसको टाइट कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे, आपका कंडेंसर लग जाएगा। तो बाद में इसके ऊपर ये वाले जो बोल्ट हैं, ये और इस तरफ भी हैं, दो इस तरफ, दो इस तरफ, दो दरमियान में, दो उस तरफ, ओके। तो ये दो इस तरफ होते हैं, ये हम लगाएंगे, उस तरफ होते हैं वो हम लगाएंगे, इस तरफ हैं ये लगाएंगे, उस तरफ हैं ये लगाएंगे, दो दो चार दो छः, छः छः 12 बोल्ट हम लगाएंगे, कंडेंसर आपका फिक्स हो जाएगा। फिर हम इधर भी लगाएंगे, नहीं इधर सॉरी नहीं लगेगा, इधर लगेंगे तो आपका कंडेंसर फिक्स हो जाएगा। फिर हम इसको गैस डालेंगे, ओके। सर हम ऊपर ले आए छत पे, अभी हम ये जोड़ लगाएंगे, ये हमने एक जैकेट लिया नीचे से पकड़, हाँ तो इस देखो
के ये सारे रिंग होते हैं इसके अंदर, ये दोनों जगह पे रिंग रखे जाएंगे, एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो हम रिंग रखने के लिए हमने अपनी जैकेट ली कि हमने दो रेंच लेंगे, क्योंकि उनको बड़ा मतलब चाबी डलती है, तो इसलिए हमने रेंच बड़े ले लिए। ये आपको वीडियो में छोटे नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी लंबे हैं। ये कितने इंच का है, ये देखें 24। ओके, तो अभी हम ये जोड़ लगाएंगे, ये जॉइंट लगाएंगे ऊपर, उसके बाद ये देखें बोल्ट इस तरफ लाइट करें, ये हम जोड़ ये बोल्ट लगा देंगे, इधर हम जॉइंट लगा देंगे, ओके कर देंगे, फिर हम इसको गैस डालेंगे। हमने कंडेंसर वो लगा दिया, ओके कर दिया, वो जॉइंट भी लगा दिया, ये वाला भी लगा दिया, इसकी लीक चेक भी हमने कर ली है, ओके ओके। प्रेशर दिया था, वो प्रेशर हमने अभी लीक चेक करके उसको कहा प्रेशर निकाल दे, वो प्रेशर निकालेगा, फिर इसको हम वैक्यूम करके, शेल वैक्यूम करके इसको हम गैस डाल देंगे, ओके। ये और इसके ऊपर वो कवर इसका रख देंगे, ये सारे बोल्ट, ये बोल्ट इसको लगते हैं, ये देखें, ये वो नीचे, ये कंडेंसर के साथ होते हैं, ये अलग बॉडी के साथ होता है, वो ये तीन इस तरफ होते हैं, तीन ही उस तरफ होते हैं, एक को दो होते हैं। अभी ओके कर दिया ऊपर से, अभी हम इसको गैस डालने लगे, और वैक्यूम भी हो गया, अभी हम इसको गैस डालेगा। हमने गेज लगा दिया, गैस भी हम चार्ज कर रहे हैं, गैस का सिलेंडर हमने लगाया, ये दरमियान वाली जो लाइन है ना, ये देखें आप इधर लगाइए, हमने ये बिलो वाली लाइन लो वाले पाइप पे लगाई, ये ऊपर लिखा है लो, आप देख सकते हैं लो और ये हाई, ओके। और ये लाल मीटर हाई का होता है, ये नीला मीटर लो का होता है, तो हम थोड़ी बहुत ये इसको गैस देखें, तो कोशिश किया करें आप गैस लिक्विड में चार्ज किया करें, दूसरी ना चार्ज किया करें। गेज वगैरह आपको बताया लगा दी थी, तो अभी देखें ये 200 है और ये कितना है 50 है। तो जब मलेशिया से रब्ता कर रहे होते हैं ना, ये 10 पे होता है, और जब 10 पे होता है फिर आप समझ लें कि एक्सटेंशन वॉल में मसला है। तो अगर ये हाई वाला 200-250 पे है फिर कोई मसला नहीं, कुवैत में भी अगर 200-250 चल रहा है तो कोई मसला नहीं है, मलेशिया में भी अगर चल रहा है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये 200-250 हो और ये 50 से ऊपर हो या 50 के नज़दीक हो, जब मौसम ठंडा होता है, अभी देखें ना मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस टाइम इसको 50-60 होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये इससे कम भी नहीं होना चाहिए। हम जो इसके अंदर गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये R134 गैस है, USA की है, और हम गैस तोल के डालते हैं, तराजू के साथ डालते हैं, हम ऐसे गैस नहीं डालते, हमें फिर भी अंदाज़ा भी है, सारा कुछ है, लेकिन हम फिर भी ये नहीं करते। और ये वाली जो रेड कलर का पाइप हमने लगाया हुआ है, ये हाई वाला जो प्रेशर है ना इसके ऊपर लगाया हुआ है, जो ब्लू वाला है ये लो वाले जो प्रेशर है उसके ऊपर लगाया हुआ है। जब आप व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आपको बताने में। ये मैं आपको बता रहा था बाहर जो मतलब गेज वगैरह बस के साथ हमारी लगी होती है उसके मुतालिक, अभी मैं इस टाइम बस के अंदर मौजूद हूँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जब आप गाड़ी का प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, जो मलेशिया वाले हैं, कुवैत वाले हैं, वो फिर जब मेरे साथ बात करते हैं ना, एक तो उनको लैंग्वेज में थोड़ा सा मसला आता है, जुबान में मसला आता है, मेरी बात वो वीडियो मेरी ठीक समझ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज में उनका मसला होता है, वो थोड़ा सा मुझे भी समझने में मसला आता है, तो उनको तो ठीक आ रहा होता है, वो बेचारे कह रहे होते हैं यहाँ मुझे पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, लेकिन बात कर रहा था मैं आपके साथ बाहर के जो टेम्परेचर है लो वाला, गर्मी के ऊपर उसको 50 तक होना चाहिए, 50 से नीचे होना चाहिए, 40-45 इस तरह होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, एक होगी बात। और दूसरी बात, जब आप आपकी गाड़ी के एक्सपेंशन वॉल्व में मसला है, जो एक्सपेंशन वॉल्व है उसमें अगर मसला है, तो फिर आपकी गाड़ी का जो लो वाला गेज होगा, ब्लू वाला गेज, उसका जो टेम्परेचर होगा वो 10-20 पे होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं, 10-20 पे होगा। उसके बाद जो हाई वाला है, हाई वाला ठीक चल रहा होगा, 100-200 के ऊपर होगा, 150 के ऊपर होगा, थोड़ा सा उसमें मसला आएगा, लेकिन वो आपको इस तरह नहीं पता चल सकता। लेकिन अगर आपको देखना है एक्सपेंशन वॉल्व में मसला है, फिर आप चेक करें कि उसका जो है ना लो वाला गेज, उसको चेक करें। अदर ये हमारी बस है, तो इसके अंदर मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा था, मैं इसके ऊपर जरा दूसरे मोबाइल की लाइट ऑन कर लूं, ये देखें किस तरह इसके अंदर बबल आ रहे हैं। इसको आपने इस तरह करना है, इसको आपने इस तरह बबल को करना है कि बिल्कुल, एक होता है कच्चा बुलबुला, कच्ची स्प्रे ना हो, लिक्विड के अंदर स्प्रे हो, जिस तरह पानी के अंदर बुलबुले होते हैं, अक्सर पानी बोतल के अंदर डाला जाए तो वो नीचे छोटे छोटे ना आपको बुलबुले लगते हैं पानी के अंदर,
इसी तरह इसके अंदर लिक्विड के अंदर उस तरह आने चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए हमारी गाड़ी की गैस अभी कंप्लीट है। उसके बाद अगर गाड़ी मसला नहीं कर रही फिर मेरे साथ रब्ता किया करें। तो कोशिश किया करें लैंग्वेज अपनी अच्छी हो, क्योंकि जब मेरे साथ आप रब्ता करते हैं आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा मसला होता है, फिर आप पता नहीं, मुझे ये लगता है कि मेरी बात आप सही समझ नहीं रहे, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। इस वजह से आप मलेशिया में बहुत ज्यादा उर्दू बोल सकते हैं, आप उसको कह दें कि भाई जान ये बात कर लो, कुवैत में भी उर्दू बोल सकते हैं, अच्छी उर्दू बोलने वाले भी हैं, आप उनको कह दें कि ये बात उर्दू में भाई को समझा दो, हमारी गाड़ी में ये मसला है, तो वो आप मुझे एक दफा मसला बताएंगे, 5-10 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी में फोन के ऊपर आपसे ही क्लियर करवा दूंगा। ओके, अभी हम इसके अंदर गैस मजीद डालेंगे। अभी ये देखें कि इसको, अभी ये देखें कि इसको गैस अभी थोड़ी सी और डालनी है, देखें जरा गौर से, 1 किलो और डल जाएगी तो इसका ये जो बबल है, ये जो स्प्रे हो रहा है अभी, ये लिक्विड का स्प्रे है, यही स्प्रे जब लिक्विड के अंदर होनी शुरू हो जाए ना, ये साइडों पे हो रही है अभी, देखें आहिस्ता आहिस्ता अंदर होनी शुरू हो गई है, जैसे ही अंदर होनी शुरू हो गई अभी गैस पूरी हो गई हमारे पास की, मैं बंद करूंगा। अभी हम बस के अंदर मौजूद हैं, तो अभी हम लिक्विड की स्प्रे को चेक करते हैं। ये ले भाई, 2 सेकंड बाद आएगा तो हम चेक करेंगे, मैंने पहले बताया हुआ है। ओके, हो गया, आप मानते हैं फिर उस्ताद, अभी चला जाएगा। ओके, अभी चला गया, बिल्कुल चला गया, अभी फिर 2 सेकंड बाद आएगा, ले जाएंगे, ये आ गए, आ रहे आ रहे। तो अगर ये देखें, ये बिल्कुल पक्की स्प्रे फेंक रहा है लिक्विड के अंदर, जो मैं सबसे पहले आपको ये चीज बता रहा था। इस वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मैकेनिक भाई के अंदर, खुद ही ना देख लीजिएगा। अभी देखें हल्के आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ओके, हो गया। इस तरीके से हम अपनी बस के एसी को ओके कर सकते हैं। काफी लोग हैं जो बस के एसी को ओके करना नहीं जानते। आप हमारी वीडियो देखें, हमारी वीडियो देखने के साथ आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि बस के एसी को कैसे ठीक किया जाता है। एक अनाड़ी बंदा मेरी वीडियो देख के एसी को बिल्कुल ठीक कर सकता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की वीडियो लोगों के लिए बनाता हूँ, ताकि आप अच्छे से अच्छे बस का काम कर सकें और अच्छे से अच्छे मैकेनिक बन सके। काफी लोग हैं बेचारे बेरोजगार हैं, उनको नहीं कोई पता, लेकिन वो वीडियो देखें, सीखें इससे कि बस के एसी को कैसे ओके किया जाता है। जाके उस उस्ताद को ये ना कहें कि मैं कर सकता हूँ, उनको बताएं उस्ताद जी मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, आप मुझे एक हेल्पर के तौर पर आजमाएं, आप बस का एसी ओके कर सकते हैं फिर अगर मेरी वीडियो आप देखेंगे। तो कोशिश किया करें, मेरी वीडियो आए उसको लाइक किया करें, कॉमेंट दोनों काम, लाइक वीडियो को लाइक कर देना, मेरी वीडियो को कमेंट कर देना और शेयर लाजमी ही करना है, तीसरा ये काम है। आपने वीडियो शेयर करनी है आपने मैकेनिक्स भाई के साथ। और मैं आपके साथ एक और बात कर लूं, अगर मलेशिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर किसी भाई की, किसी भाई को जरूरत हो बंदों की, इलेक्ट्रिशियन की, मैकेनिक की, बस मैकेनिक, बस इलेक्ट्रिशियन, बस पेंटर वाला, बस के जो टाइप लगे होते हैं बस के अंदर, उसकी बस के अंदर जो कैमरे लगे होते हैं उसकी जरूरत, उस इन बंदों की जरूरत हो, तो वो लाजमी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, तो हम उनको वो बंदे प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ठीक है, कुवैत में, मस्कत में, मलेशिया में, बांग्लादेश में काफी लोग मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, तो इधर तक फ्रांस में भी हम बंदा भेज देंगे। ओके, तो जिस भाई को मेरी ये वीडियो पसंद आए वो वीडियो को लाइक करे और एक प्यारा सा कॉमेंट कर दे, ताकि हम खुश हो जाए, इतना मेहनत करता है तो आपका भी काम है, आपको भी पता है कि हार्ड वर्किंग है, फिर आपका बनता है एक प्यारा सा कमेंट्स। तो ये मुझे हर वीडियो में ना बताना पड़े, जो मेरे देखते हैं वीडियो, जो मेरी ऑडियंस है, ऑडियंस कहते हैं जो आपको देखने वाले लोग हैं, जो मुझे देखने वाले लोग हैं, उनको दोबारा बताने की जरूरत ना आए कि मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कमेंट्स करना है और वीडियो को शेयर करना है। अब दें मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।
ओके, अल्लाह हाफिज़।